वेलकम बैक। दिस एन व्हाट यू वांट बिच आई एम अ फकिंग फेनोमेनन। सेकेंड वीक स्टार्ट हो गया है और बहुत अच्छा जा रहा है सेकेंड वीक भी। और आज का टॉपिक है फाइबर का। फाइबर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। फाइबर का इस्तेमाल हमारी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है। तो 30 से 35 ग्राम के दरमियान मेल को मैन को चाहिए एवरी डे फाइबर, और फीमेल के लिए है 25 to 30 grams। मिनिमम 25 grams फाइबर एवरी डे आपको लेना है। दो किस्म के फाइबर हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। तो ये दो इकसाम है फाइबर की। और जो सॉल्युबल फाइबर है वो नट्स से मिलता है, नट्स के अलावा वो बीन्स में से, किडनी बीन्स में से मिलता है, चिक पीज में से, चनों में से मिलता है, सफ़ेद चने या काले चने। उसके अलावा जो इनसॉल्युबल फाइबर है, इनसॉल्युबल फाइबर आपको ग्रीन्स में से मिलता है, वेजिटेबल्स में से, और होल ग्रेन आटा जो है, होल ग्रेन ब्राउन आटा उससे मिलता है। उसके अलावा होल ग्रेन पॉरिज है, दलिया जो है वहाँ से मिलता है। जितनी होल ग्रेन की जितनी आइटम्स हैं उन सब से इनसॉल्युबल फाइबर मिलता है। तो जो सॉल्युबल फाइबर है जो नट्स वगैरह से मिलता है, वो जब हमारी बॉडी में जाता है तो वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, जो हमारे स्टमक में पानी होता है। तो पानी को एब्जॉर्ब करने की वजह से वो जेल की सूरत इख्तियार कर लेता है बॉडी के अंदर, और जेल बनने की वजह से उसका डाइजेस्टिंग जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। लेकिन उसका थोड़ा सा स्लो होने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी वो बहुत बेनिफिशियल है, चाहे उसका स्लो डाइजेस्टिंग प्रोसेस है तो उसका कोई इशू नहीं है। उसके अलावा जो इनसॉल्युबल फाइबर वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है बॉडी में। फाइबर का बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर मेन काम क्या है, फाइबर हम जो भी खाना खाते हैं, जो कुछ खाते हैं, वो सारे का सारा हज़म करने के लिए बहुत ही कारामद चीज़ है। जो कॉन्स्टिपेशन है, जो कब्ज़ होती है हमें, वो तब होती है जब फाइबर की इनटेक हमारी बॉडी में कम होती है। अगर आप फाइबर ठीक ले रहे हैं तो अब फिर चाहे आप डाइट को एक्यूरेट चला रहे हैं या वो डाइट ले रहे हैं जिसका हज़म होना थोड़ा सा मुश्किल है, उस सूरत में भी फाइबर उसको भी हज़म करता है। फाइबर हाजमे का काम करता है गैस बॉडी में, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप एवरी डे अपनी डेली वैल्यू के अंदर फाइबर को ज़रूर ऐड करें ताकि उसके बेनिफिट्स आपको मिलें। तो ये थी आज की टिप। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी, और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।